संक्रमित कोरोना महामारी को लेकर भारत का 4.0 लॉकडाउन चल रहा है। इसी कड़ी में समाज सेवी आलोक कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार और उनके साथियों के द्वारा गरीब, असहाय, भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहर से अपने गांव घर की ओर पैदल लौट रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हमारे कोरोना योद्धाओं, पुलिस व ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के सम्मान में भोजन का पैकेट, मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर व जेल का वितरण इन सभी जगहों पर करवाया गया। आर ब्लॉक, इनकम टैक्स, डाक बंगला चौराहा, बस स्टैंड, करबिगैया, अन्य जगहों पर वितरण किया गया था। यह काम समाज के लिए बहुत ही सराहनीय है। इस सेवा के समय इनके साथ रितेश, तपन दास, कुमार रवि, गुड्डू, शशि, रामजी, सूरज, निशांत और आनंद त्रिवेदी थे। जरूरत के कुछ सामान देने होते हैं, उनको हम लोग व्यवस्था करते हैं। और अभी कोरोना काल में जैसा हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों को जरूरत की मदद की जरूरत, हम लोग मदद कर रहे हैं। और लोगों से उम्मीद करते हैं, हर व्यक्ति, हर नागरिक से, कि कम से कम 5 लोगों की मदद करें और वो 5 लोग अपने साथियों को मदद करें, जिससे कोई भूखा न रहे। इस संकट की घड़ी में, इस दिशा में कोई भूखा न रहे, उम्मीद यही करता हूँ मैं सारे नागरिक। छूट दिया गया है कि जाकर थोड़ा बाहर निकल सके, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके आपसे, ये नहीं कि सबका मदद, लेकिन दो लोग प्रभावित होंगे कोशिश करेंगे वो लोग भी मदद करने का। तो ऐसा टाइम में बहुत लोग का रोजगार बंद हो चुका है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है कुछ खाने पीने का, तो अपने तो भी कोशिश कीजिए जो आपसे बने, खाने का सामान या पीने का सामान जो भी आपसे बनता है वो आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए, बस यही अनुरोध है। और लॉकडाउन में कब तक जब तक चलेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे, करेंगे अपना। ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्वतः समाचार।